मैं तो सीधा कहता हूँ सॉरी। सुना आपने, कटारिया मांग रहे हैं माफी, लेकिन किस चीज की? क्योंकि उन्होंने मनीषा रानी का मजाक बनाया और फैंस ने उन्हें सुना दी खूब खरी खोटी। वेल, मजाक उन्होंने इस वीडियो के जरिए जो आपको फिलहाल दिखाने वाले हैं, उस वीडियो में ये कहा है कि देखो मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, देखो मेरा स्किन केयर रूटीन देखना है। तो उसके एंड में उन्होंने एक गाली दे दी जो आधी बोली और आधी नहीं, और वीडियो को कर दिया बंद। और इस वीडियो को देखकर मनीषा स्क्वाड भड़क गया, क्योंकि ऑलरेडी एल्विश के साथ हुई मनीषा की इस कॉन्ट्रोवर्सी पर स्किन केयर वाला मुद्दा बहुत ही आगे बढ़ रहा था। उसकी पूरी जानकारी आप हमारे चैनल फाइनल न्यूज पर देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अब यहाँ पर कटारिया ने जो ये वीडियो शेयर की, देखो भाई स्किन ग्लो कर रही है पूरी पूरी, तो अगर आपको भी स्किन केयर सीखना है मेरी तरह, तो आप मेरे चैनल स्किन केयर टिप्स को ज्वाइन। इस वीडियो को देखने के बाद मनीषा स्क्वाड भड़कता हुआ तो नजर आया और उन्होंने कटारिया को माफी मांगने पर मजबूर भी कर दिया। अब उन्होंने यहाँ पर माफी तो मांगी ही, लेकिन इसी के साथ एक्सप्लेनेशन भी दी। और जब एक्सप्लेनेशन दी तो लोगों ने फिर से उन्हें, यानी कि उनके अपने लोगों ने उन्हें बहुत कुछ सुनाया कि भाई क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो। और इसका पूरा जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। मैं मेरी स्टोरी लगी कि मैंने मनीषा जी के लिए डाली है। पहली बात तो एक वो मैंने यूं ही डाल दी थी, मैं यहाँ जा रहा था जय को पिक करने, तो वहां पे सनलाइट आ रही थी। ठीक है, क्या तुम कुछ समझना है कि मैंने हटाई ना हटाई, भाई जी जिसको बुरा लगा मैं तो सीधा कहता हूँ सॉरी। भाई बंदे कह रहे हैं कि आप जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो, अरे मेरा जी भाई मैं जस्टिफिकेशन दू ना दू, क्योंकि मैंने डाली नहीं थी किसी के लिए, तो लोग कलेक्ट करेंगे, तो मेरा तो मन करेगा ना कि भाई मैं बोलूं कि मत करो कनेक्ट, मत करो। वेल, देखा जाए तो कटारिया का ये कहना है कि लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने किसी और को टारगेट किया, ऑब्वियसली बात है मनीषा को, उन्होंने मेरा नाम लेते हुए चीज कही, तो उनका कहना है कि यार मैंने नहीं किया किसी को भी टारगेट, मेरा यहाँ पर कुछ और था पॉइंट किस चीज को सामने रखने का, लाइट अच्छी आ रही थी तो मैंने वीडियो बना दी और लोगों को लगा कि मैं किसी और को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, अगर लगता है तो माफी मांग लेता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने बहुत सारी गालियां फिर से कटारिया को दी। क्यों? क्योंकि जब कोई मुद्दा ऑलरेडी चल रहा होता है और उस मुद्दे से ही रिलेटेड कोई इस तरह का रोस्टिंग वीडियो शेयर कर दे या फिर अपने रिएक्शन या रिव्यू शेयर कर दे बिना उस कॉन्ट्रोवर्सी का नाम लिए, उस शख्स का नाम लिए, तो ऑब्वियसली बात है लोग बेवकूफ नहीं है, उस बात को इजिली समझ भी जाते हैं। लेकिन जब ज्यादा गालियां पड़ने लगती है तो जाकर माफी मांग ली जाती है सोशल मीडिया पर, और वो भी बिना किसी का नाम लिए, तो लोग तो जाहिर से बात है गालियां तो देंगे ही, कि अगर इतना बोलने का दम रखते हैं तो पूरे टॉपिक पर अच्छे से बात की जाए और टॉपिक पर बात करने के साथ सामने वाले का, जिसको तुम रोज करने की कोशिश कर रहे हो, उसका नाम भी लेने की हिम्मत रखी जाए। लेकिन अक्सर ही यहां पर देखने को मिलता है कि इनडायरेक्टली यहाँ एल्विश और एल्विश की टीम लोगों को रोस्ट करती हुई नजर आ ही जाती है, और यही रोस्टिंग उनके ऊपर काफी बार भारी पड़ जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वही इस चीज के लिए गालियां खाते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बनाओ बिल्कुल भी ना जाए।